राम राम जी, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे न्यू वीडियो में। तो भैया, आज फिर से चर्चा करते हैं इंस्टाग्राम की रीलों के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है, इंस्टाग्राम की रील में कोई कुछ भी कहीं पे कैसे भी कह देता है। वायरल होने का सिस्टम ऐसा चल रहा है आजकल। तो पहली रील देखो मूर्खों की। ओ तेरी घरे, अरे हंस रहा हंस क्यों? कर ना अकाउंट होगा मेरे भाई, हंस ने तू सही में राम पड़ के छोरी वो बाज की राम पड़े तो रहता मैं हूँ भाई। वाह, रामफल को छोरा तू है, हमने मान लियो, हंस भी लियो, फिर तो बाद में याद भी आ गई। यार, बाप को नाम ऐसा हुआ है कि कोई नौ सामने ले दे ना, तो आदमी के रोंगटा खड़े हो जा। तुझे हंसी आ रही कि रामफल के छोरे बहु भाग गई? ऐसे ऐसे मूर्ख हमारे देश में है। तो चलो छोड़ो इन मूर्खों को। इसके बाद हमारे जो शेर चीता है, इनका मिलाप हो चुका है आपस में। शेर जो है पहुंच चुका है अपनी टीम के पास। तो शेर की एक वीडियो और है न्यू, चलो देखते हैं। रुको जरा, सबर करो। अरे शेर भूखे भेड़िया, तेरी बगेदगी जो तू इन तितलीन में डोल रो है ना, तो तू कोई ध्यान में लाइट पकड़ने पे बिना रख तो में कोई सकनो। अगर ध्यान में लाइट पकड़ने पर राख भी लियो ना शेर, तू तो यार आदमी नु कन्फ्यूज हो जाएगा कि लाइट पकड़ किने राखी है, क्योंकि तेरे मुंह पर रोशनी मारे ना बल्ब की, जब जाके तो चमके है। ऊपर से इन धौड़ कुर्ता पजामे ने पहर के राजा साहब बड़ो डोले है। तो ये चीता तो चलो ठीक है, अब ऐसी फिर से रील है। तो भैया हमारे रास्ते में जा रहे हैं, सबसे बड़ी कमी रील बनाई पर अपनी कमी नोटिस नहीं करी इन्होंने। तो इस कमी को हम मैं दिखाता हूँ। ला गाड़ी का नंबर दिखा, इसकी रिपोर्ट करनी है। गाड़ी की रिपोर्ट कर ले, तेरे फोन चुरो छिनाएगा जब भी तो रिपोर्ट करेगा तू। या फोन जेब में धर ले, तो कम से कम वीडियो बना रहो, फोन हाथ में ले रखो और भाई फोन है तो वीडियो में छिनवा रहो। कैसे कैसे मूर्ख आदमी हो। वैसे जो वीडियो में नंबर प्लेट पे दिखाया गया है ना, तुम वाड़ को सही है सिस्टम। शेर और चीता के ऊपर फिर से हमारे इंस्टाग्राम पर कुछ आदमी न्यू ट्रेंडिंग ट्रेंड के साथ आए हैं, जैसे कि ये हमारे पहलवान भाई है। अगर किसी ने उठा दी ना हम पर जरा, तो गांव में मचा देंगे जरा। तीन मनी कहते हैं इस सिस्टम में, कोई चिड़िया बन रहो, कोई बाज बन रहो, कोई तीवन बन रहो। भैया तो तीवन बने। एक हमारे बुजुर्ग ताऊ है जिन्होंने शेर चीता के ऊपर कमेंट मारा है वीडियो में। तो मैं अपने ताऊ जी को दिखाता हूँ। खैर बुजुर्ग आदमी है, उनके ऊपर मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, जो भी कहेंगे ठीक है, अच्छी बात है। अरे शेर चीता बहुत खुले घूम लिए, अब थारा शिकार करना, जिंदा गाँव भाई जिंदी कहता है। अब जिंद भी टीम में शामिल हो चुकी है हमारी में। तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बन रही है आजकल इंस्टाग्राम पर ये जो शेर चीता ने भसड़ बनाई है ना इंस्टाग्राम पे, कोई मुर्गी को बच्चा, कोई क्या पता ना क्या क्या बन रहे लोग बाग। तो चलो फिर से नई रील पर चर्चा करते हैं। हाँ जी मैडम, एक थम्स अप चाहिए था, 2 लीटर वाला। 2 लीटर वाली अभी लाता हूँ मैडम। लो मैम, एकदम चिल्ड लाया हूँ आपके लिए, ये लीजिए। कितने में? मैम मात्र 99 रुपए। 99? रख लो भैया। नहीं अरे मैडम सुनो तो। नहीं नहीं चाहिए। सुनो क्या हुआ, मेरे पापा ने कहा था कि ये 99 की आती है, आप 99 बहुत ज्यादा बता रहे। मैडम आप 99 की ले जाओ। दी को दिमाग है घुटने में, यह बात में कोई शक नहीं है। आजकल के जनरेशन जो है अपनी पुरानी भाषा भूलती जा रही है, यह बात में कोई शक न है। हम भी कंफ्यूज हो जा कभी कभी, तो यह बात में कोई शक न हो। पर लेडीज ने कुछ ज्यादा ही अंत की तार रखी है चीज में, मैंने केजी के नोटिस करी है। तो फिर से चलो शेर चीता के ऊपर कुछ जिक्र करते हैं। और भाई अभी चीता ही बोले शेर, पंछी कहते हैं भाई है, भाई जादू क्या ना। रुको जरा, सबर करो, यू देख फिर। भाई अभी मुर्गा ही कह दिया।
या मुर्गा फिरका आ चुका है, एक लवली बाल्मीकि और मुर्गी बन चुका है, उसे अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाए फिर मैं लास्ट मिनिमम 6 या 7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। एक पहलवान है जाकि भुजा इतनी तकड़ी तकड़ी है कि आदमी देख के खुद हैप हो जाएगा, कितना तकड़ा आदमी या पृथ्वी पर आया कैसे, चलो आप भी सोचोगे इतना तकड़ा कौन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। लाडले डर के नहीं कुछ करके बैठे हैं, लाडले या घुमा दी पापा ही दिया था अंगड़ी, लाडले नू साल दे इस पासे नू लाडले। भाई वाह पहलवान वाह, पुषप तेने इतनी तकड़ी मारी कि हल्ले नहीं होता लगायो है, ऊपर से पुषप तो मान नहीं आवे नो या बात में कोई शक नहीं है, कर रो कम से कम अपनी यहाँ में टोंग ने ठीक से रख लेते, टोंग बिचार रोड बिखर रही है, तो सुन दो चार आदमी ने गेल राख, अगर कह दिन ठीक से आँधी आ गई ना तो टॉर्च बाल बाल के ढूंढना पड़ेगा, तू गयो कहो इसे मुँह रखे। और भैया एक बहुत कॉमेडी वीडियो हमारी रोहित भाई की तरफ से, क्या सोच रहे हो भाई? अरे यार मैं यह बात सोच रहे हो या शेर और चीता में ऐसी क्या खास बात है जो नई नई शेरनी इनके धोर आ रही है, जादू कहते हैं भाई अभी शेरनी कहते हैं या अभी सुने चीता ही कहते हैं भाई अभी क्या बात है इनमें, जादू पकड़ रखो बहन के लौड़ान ने, तेन जादू फिल्म में देखो दिक रोश ना दिखना चालू हो जावे, मम्मा मैं देख सकता हूँ मम्मा सब जादू कमाल अच्छा। जादू कहते हैं भाई अभी, भाई ने कुछ हटके वीडियो बनाई है पर शेर चीता के ऊपर तो बनाई है, पर पब्लिक की तरह आप भीड़ में नहीं बढ़ो भाई, कुछ स्पेशल बनाई है कुछ हटके बनाई है, वीडियो बनाओ ऐसी बनाओ। और एक हमारी खास दीदी फिर से आई है जिन्होंने कुछ बात कही है, उनको चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सुहेल एक बात बताओ, जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो मरीज को बेहोश क्यों कर देते हैं? वो इसलिए बेहोश करते हैं ताकि मरीज ऑपरेशन करना ना सीख जाओ। क्या तो सही रहे हो तुम, बहुत चलाक हो ये डॉक्टर। और क्या, अगर वो सीख जाएगा तो वो अपने घर वालों का खुद ही कर देगा, फिर डॉक्टर के पास आ गई ना। अरे दीदी तो कुछ है ही ज्यादा तेज, पर दीदी के जो पास बैठो कुछ यू भी ज्यादा तेज है, भैया बेहोश ना करेंगे तो मरीज के तो कभी दर्द होना ही ना। अच्छो रही बात सीखने की, ये जो रात दिन रोड पर गाड़ी चलती रहे इनने देख के तो ना सीखो कोई आज तक गाड़ी, घर के पे क्यों सीखे सब, ऊपर से जिनके बालक नौ पढ़े उनने स्कूल में भेजे है, बहुत बालक है जो भैया पढ़ाई मन नो स्कूल जावे, स्कूल में पढ़ते हुए बालक ने देख के वे तो सीखे पढ़नो, ये दीदी तू भी पागल ही रही। तो भैया वीडियो यहीं एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।